अडल्ट, फाइनली बच्चा बड़ा हो गया. सो ही मैसेज में पहले मेरा बर्थडे है, उसके बाद उसका एक और मैसेज आया सेइंग आई एम टर्निंग 18. सो आई वाज लाइक ओह आई हैव टू बी देयर. इट्स अ ट्रांजिशन. बहुत अच्छा लड़का है. आई होप दैट ही ग्रोज अप एंड बिकम्स अ रियली रियली गुड मैन. मैं जब 18 की हुई थी मैं बिग बॉस के अंदर थी तो वहाँ पे कुछ खास सजेशंस नहीं थे. लेकिन जाने से पहले आई रिमेम्बर मम्मा पापा ने मुझसे कहा था कि ये बहुत ही ट्रिकी टाइम होता है बिकॉज टीनेज अडल्टहुड यू नो कहने को आप नंबर से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. सडनली कल 17 आज 18 कुछ चेंज नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल जाता है इन केस यू ड्राइव. बट मेंटली इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें दैट हर चीज़ जो लाइफ में हो रही है यू हैव टू एनालाइज एंड मेक योर ओन डिसीजंस. एंड ये फेज है ऑफ मोर अंडरस्टैंडिंग, ट्रायल एंड एरर. तो आई होप भावेश डज द बेस्ट. भावेश के साथ किस तरह की मेमोरी रही है, कोई फन मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें? I think starting from he's like chota bhai actually because I remember Veera ki set pe when mere look test wagera chal rahe the ki kya look hoga and stuff, Bhavish should be coming, are oh she's playing badi Veera. And I think that whole vibe, in fact mere har birthday par Bhavish aur uski mom uski puri family aati hai. It's more than sirf actor to actor relationship. I think ye bahut zyada personal hai. Very big reason ki today main papa we all came because we were like nahi, it's more like family. बैड उसने मुझे कभी जानने नहीं दी. गुड दैट ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पीपल. एंड इफ यू वांट टू डिफाइन भावेश इन वन वर्ड, व्हाट इट इज? नोटोरियस. थैंक यू सो मच.